श्री राधे। ट्रेबल श्रीराधे करतूर गौरम करुणातारम भजगेन्द्रहारम सदा वसन संगदयारविंदे भवं भवानी सहितम आरती श्री भागवत जी की आरती श्री सुनी सर्वो परिजानी
आर्तिक्यं समर्पयामि अरार्तिक्यान्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम किं कृष्णाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम ऋषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् ओम अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम पुराण पुरुषोत्तमाय विद्महे ज्ञान गंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद् भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु श्री भागवत चरणार्पणमस्तु बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे रानी सरकार की जय श्री व्यासी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी Thank you.
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरान।
रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास देव भगवान की जय। देव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णाले भक्तवांछित कल्पतरु तरिज्ञत विनंदित पीतांबधारी भगवान बालकृष्ण लाल का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए सभी विद्वज्जनों को संतजनों को आप सभी भक्तजनों को एवं भक्तिमयी माताओं को सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। राधे राधे। शिरादे 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 शिरादे। हवा की वजह शिरादे 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 शिरादे। शिरादे शिरादे शिरादे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
ताली सेवा करते हुए श्री राधे नाम का जाप करें। जय गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हरी बोलो श्री राधे काली सेवा करते हुए अपने मन को ठाकुर के चरणों में लगाते हुए चले। जय जय श्री राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गाइए भाव से जय जय राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि बोलो राधे राधे हरि गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे प्रेम से कहिए श्री राधे काली सेवा करते हुए आनंद लीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
समाधान है, लेकिन पश्चाताप के बाद भी तो भोगना तो पड़ता है, भोगना तो है, इसलिए व्यक्ति को संभल करके चलना चाहिए। ये डगर बड़ी कठिन है, हमारे संत लोग गाते हैं, प्रेम नगर की डगर कठिन है, बटोई ना करना बसेरा, पग बड़ा हो जाए ना अंधेरा। ऐसा बड़ा प्यारा भजन है, ये डगर बड़ी कठिन है साहब। संसार में मानव तन मिला और मानव तन मिलने के बाद में फिर वापस वैसा ही हो गया, फिर वही कर दिया। मानव तन मिलने के बाद में महाराज बड़ी मुश्किलों से ये डगर पार होती है, पर संत का आश्रय कर ले कोई, सदगुरु का सहारा मिल जाए और किसी सच्चे सदगुरु में श्रद्धा विश्वास रख के उनके आश्रय में जीवन जिया जाए साहब, तो जीवन आनंदमय हो जाता है। चिंता जब तक ही होती है जब तक हम किसी श्रेष्ठ महापुरुष का आश्रय ग्रहण ना करें। हमारे पूज्य रामायण जी थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, बड़ी सुंदर एक बात कहते थे, व्यक्ति कितना ही बड़ा पद पर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति से एक व्यक्ति तो कोई ऐसा हो जो बड़ा हो। गुरु का मतलब क्या होता है पता है? बड़ा। गुरु का मतलब बड़ा, शिष्य का मतलब छोटा, गुरु मने बड़ा। हमारे जीवन में एक व्यक्ति तो कोई ऐसा हो हम उसकी बात माने, एक व्यक्ति तो कोई ऐसा बनाना चाहिए ना। हमारे जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जब हम उससे बात कर पावे, तो गुरु का अर्थ है बड़ा। और व्यक्ति को जीवन में किसी अच्छे सदगुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, एक समाधान है। लेकिन कहते हैं गुरु करो जान कर, लेकिन पानी पियो पश्चाताप के बाद भी तो भोगना तो पड़ता है, भोगना तो है। जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, इसलिए व्यक्ति को संभल करके चलना चाहिए। आपको जो भा जाए ये डगर बड़ी कठिन है, नहीं भावे हमारे संत लोग गाते हैं, प्रेम नगर की डगर कठिन है, तो कहते बटोई ना करना हनुमान जी को गुरु बना लो, पग बड़ा हो जाए ना करूं गुरुदेव की, ऐसा ही प्यारा भजन है। हनुमान जी को गुरु बनाओ, ये डगर बड़ी, जो अच्छे देव लगे उनको बना लो। संसार में वंदे मानव तन मिला नित्यम गुरुम शंकर, और मानव तन मिलने के बाद चंद्र सर्वत्र वंजते, भगवान शंकर को मानव तन मिलने के बाद में समझ में नहीं आता है। भगवान कृष्ण को बना लो, वसुदेव मुश्किलों से देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, पर संत का आश्रय कर ले कोई, सदगुरु का सहारा मिल जाए। लेकिन व्यक्ति को जीवन में गुरु बनाना और किसी सच्चे सदगुरु में श्रद्धा विश्वास रखना, गुरु के आश्रय में जीवन जिया जाए। गुरु बिन भवनि की तरह ही न कोई, जो विरंच जीवन सम आनंदमय हो जाता है, चाहे वो ब्रह्मा चिंता जब तक ही होती है जब तक व्यक्ति गुरु नहीं बनाता है, श्रेष्ठ महापुरुष का आश्रय ग्रहण ना करे। हमारे पूज्य रामायण जी थे, बनाना चाहिए। और जिन्होंने अपने जीवन में गुरु बना लिए, बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं, गुरु बनाने के बाद में दूसरी एक कितना ही बड़ा पद पर क्यों ना हो, गुरु कुछ भी करे चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, करने पर ध्यान नहीं देना है, गुरु ने क्या कहा है उनके वचनों को जीवन में पालन करना है, ये बहुत जरूरी है। हमारे भगवान सूरदास बाबा एक पद लिखते हैं, उसमें कहते हैं, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, और गुरु के वचन समुझी दिए माने, साधु समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। ऐसा कहते हैं,
गुरु क्या करते हैं हमको ध्यान नहीं देना है। गुरु भगवान ने हमको क्या दिया है, गुरु भगवान ने, गुरु भगवान की जो वचनामृत है, वैसे गुरु भगवान की भी एक, जो गुरु गाड़ी पर बैठते हैं उनकी महिमा है और उनको बड़ा मर्यादित रहना पड़ता, मर्यादित रहना ही चाहिए साहब। गुरु गाड़ी पर जो बैठा है उसको तो मर्यादित रहना ही चाहिए, वहां अमर्यादा हो जाएगी तो दूसरे लोग क्या शिक्षा लेंगे। लेकिन शिष्य का कर्तव्य है केवल वो गुरु के वचनों के ऊपर ही ध्यान दे। एक मैं छोटी सी कथा आपको श्रवण करा दूं। एक राजकुमारी थी, बचपन से ही राजकुमारी मन में वैराग्य धारण किए हुए थी। जहां निकलती कहीं किसी बगीचे में जाना उसको हो जाता था, बगीचे में जाती थी तो वहां बगीचे को देख करके फूलों को देखती थी और फूलों को देख करके कहती, आज खिले कल झुक चिले, परसों मिल गए धूल, देखी दशा यूं फूल की, तू क्यों फूलत फूल। फूल को देख करके भी वैराग्य धारण हो जा रहा था वैराग्यवती को। उसका नाम था वैराग्यवती, राजकुमारी का नाम था वैराग्यवती। बचपन से ही उसके मन में वैराग्य था, फूल को देख करके लगता उसको देखो आज कितना सुंदर खिला है। लेकिन ये है, नीचे गिरगा और गिरने के बाद में सूख जाएगा और सूख करके धूल में मिल जाएगा, पत्ते की तरफ देखती लगता कि देखो पत्ता गिर रहा है। लेकिन फिर कहती कि पत्ता गिर रहा है तो दूसरा नया पत्ता भी तो आ रहा है, अरे यही तो जीवन है, देखो वृक्ष से एक पत्ता गिरेगा तो दूसरा नया पत्ता आवेगा, यही जीवन है, मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। अरे भाई अगर वो पुराना पत्ता बना रहेगा वृक्ष पे तो फिर नया पत्ता कैसे आएगा, नया पत्ता कैसे आएगा। हम सोचे कि हम ऐसे ही रहेंगे तो फिर हम वृद्धावस्था को नहीं जाएंगे और हम ये शरीर नहीं मृत्यु को प्राप्त होगा तो फिर नया जीवन कैसे आएगा, ये तो संसार का नियम है, एक आएगा दूसरा जाएगा, आना जाना ये संसार का नियम है। तो कोई भी कार्य जीवन का वो व्यक्ति प्रकृति का तो उसको वैराग्य धारण होता, वैराग्य जैसी बातें कर। लेकिन उसने कोई गुरु नहीं बनाया, उसके मन में भाव आता था मुझे गुरु बनाना, मुझे गुरु बनाना है। वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करती थी तो एक बार चोर समुदाय स्त्री हो गए, चोरों का जो ग्रुप का गिरोह का मालिक था उसने कहा कि राजकुमारी जो है बड़ी पागल है और वो किसी गुरु को ढूंढ रही है और अगर कोई गुरु मिल जाए तो उससे खूब खजाना लूटा जा सकता है, उससे माल लिया जा सकता है गुरु के रूप में। तो एक दिन एक जो लुटेरा था वो गुरु का वेश बना करके पीले कपड़े पहने, रुद्राक्ष की मालाएं धारण करी और रुद्राक्ष की माला धारण करके पीले पीले कपड़े पहन करके और पहुंच गया राजकुमारी के पास में। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, देखा राजकुमारी ने, ओहो आज तो मेरे भाग्य जागे हैं, बिना बुलाए साधु आए पावना, आज तो बिना बुलाए संत भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं, साधु भगवान पधारे हैं तो बिना बुलाए आए हैं तो यही मेरे गुरु भगवान है। और ऐसा समझ करके राजकुमारी ने प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया, चोर को, था तो चोर लेकिन गुरु का वेश बना करके आया था तो राजकुमारी की नजर में तो गुरु ही है, वो तो चोर को जानती ही नहीं। कहा कि बिटिया हम तुझे दीक्षा देंगे, बोले हाँ मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कोई गुरुदेव आए और मुझे दीक्षा दे, बोले दीक्षा के बदले में तुम्हें धन जो गुरु दक्षिणा है वो देना, बोले जो आप मांगोगे सो मिलेगा, आप तो मुझे गुरु मंत्र दीजिए। उसको जैसा भी आता था उल्टा सीधा जो भी था उसको उसने दिया,
दे करके उसके बदले में राजकुमारी ने बहुत सारा धन दिया। अब धन इतना हो गया कि उससे उठे ना, तो उसने कहा राजकुमारी को, देखो गुरु जो बनाते हैं ना उनको रास्ते तक छोड़ करके आते हैं, तो उनको रास्ते तक छोड़ने चलो। राजकुमारी ने ठीक है, बोले अकेले ही चलना है। बहुत सारा द्रव्य लिया, कुछ उसने उठाया कुछ गुरुदेव ने उठाया, ऐसे करके दोनों चले और जंगल में अकेला एकांत स्थान पा करके राजकुमारी से वो धन ले लिया और धन लेकर के राजकुमारी को एक पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांध दिया, वैराग्यवती बंध गई। गुरुदेव ने बांधा है तो बंध गई, हमारे गुरुदेव बांध रहे हैं बंध गई। गुरुदेव ने कहा देखो तुम यहीं रुकना, राम राम करना, हम जब आए तब हम ही तुम्हें छोड़ेंगे, तब तक बंधे रहो। वैराग्यवती ने कहा कि ठीक जी गुरुदेव आपकी आज्ञा। अब वो जो चोर था वो तो वहां से चला गया धन लेकर के माल लेकर के। अब वैराग्यवती बंधी हुई महल में, पता लगा राजकुमारी कहां गई, खोज करी, पता लगा कि राजकुमारियों को कोई को बांध गया और पेड़ से बंधी। दो चार कुछ सैनिकों को भेजा छोड़ने के लिए राजा ने, भैया छुड़ा करके लाओ। राजकुमारी ने मना कर दिया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बंधन लगाया है, मैं छुड़वाऊंगी तो मेरे गुरुदेव के हाथ से ही छुड़वाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। सैनिक जाकर के महाराज को बताए, महाराज तो परेशान थे ही थे, बचपन से ही राजकुमार वैराग्यवती वैराग्य की बातें करती थी। राजा स्वयं आए, राजा ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी अरे वो कोई गुरु गुरु नहीं थे, वो कोई ठग था जो तुम्हें ठग ले गया, हाँ दक्षिणा के बदले तुमसे धन ले गया, कोई गुरु नहीं थे। बोले आप हमारे गुरु के बारे में ऐसा मत बोलो, बंधन तो मैं गुरुदेव के हाथ से ही खुलवाऊंगा। राजा को भी थोड़ा गुस्सा आया कि ये समझती ही नहीं, बंधे रहने तो एक दो दिन भूखे रहेगी, थोड़ी अकल मुकाम आ जाएगी। राजा वापस आ गए, थोड़ा दो चार परिकर को वहीं कि थोड़ा ध्यान रखना दूर से आ गया। बंदी है राजकुमारी राम 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 बोल रही है, चोर तो चला गया। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, भूख लग रही है लेकिन राम 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 कर रही है। वो जानती है कि भगवान से बड़ा और क्या हो सकता है, और हमारे गुरुदेव ने जो नाम दिया है उसको जपना है, हमको प्रतीक्षा करना है। दो दिन हो गए, चार दिन हो गए, पांच दिन हो गए। अब तो भगवान ने सोचा कि गुरु की निष्ठा बड़ी तीव्र है इसमें, तो नारद जी तुम ही जाओ, तुम जाकर के कुछ ना कुछ व्यवस्था जो। नारद जी ने कहा ठीक है सरकार मैं जाता हूँ। नारद जी स्वयं गए और जाकर के नारद जी ने कहा देवी मैं राजकुमारी जी, मैं स्वयं नारद जी हूँ, आपको दर्शन दे रहा हूँ, और वो जो आपको बांध करके गए हैं ना, चलो मैं छोड़ देता हूँ, अब वापस अपने महल को चलो। बोले भगवान नारद जी आपको गुरुदेव भगवान प्रणाम करती हूँ, लेकिन बंधन तो मैं अपने गुरुदेव के हाथ से ही खुलवाऊंगी। नारद जी ने खूब समझाया लेकिन समझ में ही नहीं आया, पूर्ण निष्ठा अपने गुरु के प्रति। नारद जी गए, भगवान अब तो आप ही कुछ कर सकते हो, हमने तो पूरा हमारी तरफ का वो कर लिया, लेकिन वो तो मानती नहीं। नारद जी के साथ में साक्षात श्रीमन नारायण भगवान श्री हरि भगवान वहां पधारे। बोलो नारायण भगवान की। नारायण भगवान को देख करके गदगद हो गई वैराग्यवती, आंखों में अश्रु छलक पड़े, प्रणाम किया प्रभु को, दर्शन दिया। भगवान ने कहा वैराग्यवती तुम्हारी गुरु निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा भाव बड़ा प्यारा है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें दर्शन दिया, मैं तुम्हारे बंधन को खोल देता हूं। जैसे ही भगवान आगे बढ़े सो प्रणाम करके बोली प्रभु ठाकुर मुझे क्षमा करना, आपने दर्शन दिया, ये तो मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य है। व्यक्ति के जीवन की आस क्या होती है, प्रभु का दर्शन मिल जाए, वो मुझे मिल गया, लेकिन क्षमा करिएगा प्रभु, ये जो बंधन है ना ये तो मैं अपने गुरुदेव के हाथ से ही खुलवाऊंगी। नारायण भगवान ने कहा नारद जी ये तो बड़ी गुरु भक्ता निकली, अब ऐसा करो चलो इसके गुरुदेव के हाथ से ही खुलवा देते हैं, ढूंढ के लाओ इसके गुरुदेव है कहां।
तो नारद जी ने एक दो पार्षद लिए, चलो ढूंढते हैं इसके गुरु को, अब पता नहीं कहां लेगा प्रभु, लेकिन जाते हैं ढूंढते। सो नारद जी ढूंढने निकले, सो किसी मकान में पीछे से सेंध लगा रहा था, उसका तो काम ही चोरी करना था। सो कहीं पीछे से मकान में वो लगा लोगों के, उसका चोरी करने का काम था। सोई वहां सेंध लगाने लगा, सोई नारद जी ने पीछे से बोला, नारायण हरि नारायण हरि नारायण। सोई धम्म से नीचे गिरा, घबरा गया, हड़बड़ा हाट में खड़ा हुआ। नारद ने कहा, गुरुदेव जी आपकी शिष्या आपको याद कर रही है, चलो। बोले कौन शिष्या? हमारी कौन शिष्या? हम उनके गुरु। अरे बोले तुमने शिष्या नहीं बनाई थी राजकुमारी को, उसको बांध करके तुम आ गए, और वहां भगवान स्वयं खड़े हैं साक्षात, लेकिन वो बंधन खुलवाने को तैयार नहीं। इतना लज्जित हुआ, इतना लज्जित हुआ, नारद जी ने पकड़ लिया। लेकिन नारद जी ने रास्ते में सोचा, भाई वो तो इसको गुरु ही मानती है, तो फिर सम्मान से लेकर के आए। और जैसे ही वैराग्यवती ने गुरुदेव को देखा, देख करके प्रणाम करते हुए बोली, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आप गे जिन गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आप के जिन गोविंद दियो बताए। बड़ा लज्जित हुआ, डरते डरते वैराग्यवती को बोला, और वैराग्यवती ने तो पहले भगवान से पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। यह है साफ गुरु निष्ठा। इस कथा से हमको क्या समझ में आया? गुरु कैसा भी था या कैसा भी है, लेकिन शिष्य के मन में गुरु के प्रति जो भाव है वो बड़ा दृढ़ है, और जो दृढ़ विश्वास रखता है, जैसी हमारी निष्ठा होती है, जैसी हमारी भक्ति होती है, जैसा हमारा विश्वास होता है, वैसे ही भगवान कृपा कर देते हैं। देखो, गुरु निष्ठा के कारण भगवान ने दर्शन दे दिया वैराग्यवती को। तो गुरु में पूर्ण निष्ठा होना चाहिए, जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। सुखदेव भगवान पधारे हैं राजा परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए। इतने संत महात्मा थे, लेकिन योग्य शिष्य के लिए योग्य गुरु होना चाहिए, और योग्य गुरु पधारे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास जी के पुत्र स्वयं साक्षात भगवान के ही स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान सुखदेव भगवान पधारे हैं। सुखदेव भगवान का पूजन किया, प्रश्न किया, बोले भगवान इसकी मृत्यु बिल्कुल समीप आ गई है, निकट आ गई है, उस व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए? भागवत के दूसरे स्कंद में सुखदेव जी भगवान बोले हैं, श्री शुक उवाच वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतौ व्याधिशिया परः। हे वरियानेश, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तुमने कहा है शीघ्र मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुमने जो प्रश्न किया है ये पूरे संसार के लिए, क्योंकि यहां जो भी आता है उसको मरना पड़ता है, जो आता है वो जाता है, मृत्यु तो सबकी ही आती है, और जो व्यक्ति यहां पर कमाता है वो सब यही रह जाता है, फिर सांस में जाता क्या है? साथ ही है मित्र गंग जल बिंदु पान तक। बिंदु जी महाराज कहते हैं, तेरी अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार वाले जाएंगे केवल स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक।
बेटा जाएगा अग्नि दान लेकर के वापस आएगा, लेकिन इससे आगे कौन चलेगा? तो संत बड़ा सुंदर भाव लिखते थे, इससे तो आगे भजन ही है साथी। यहां तक तो सब साथ देंगे, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने देहस्यतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। ऐसा साथ में मित्र चलेंगे शमशान यात्रा तक, घर की नारी दरवाजे तक, देह जाएगी चिता तक, लेकिन इसके आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। हो परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। राम नाम चित धरतो जो तू, राम नाम चित धरतो, राम नाम तू, राम नाम चित धरतो, राम नाम चित धरतो जो तू, राम नाम चित धरतो। पाछलो जन्म आगलो तेरो, पाछलो जन्म आगलो तेरो, पाछलो जन्म आगलो तेरो,
पाछलो जन्म आगलो तेरो तो जन्म सुधर तो जो तो राम नाम 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 सुधर तो पाछलो जन्म आगलो तेरो तो जन्म सुधर तो पाछलो जन्म आगलो तेरो तो जन्म सुधर तो जो तो राम नाम चित धर 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 तो कंदुल विरति समर्पि शाम को संत परोसो कर तो संत परोसो कर तो संत परोसो कर दो ओ तो नफा साधु की संकत भगत नाम तेरो पर तो भगत नाम तेरो पर तो भगत नाम तेरो पर तो सूरदास बेकुंड पेठ में सूरदास बेकुंड पेठ में सूरदास बेकुंड पेठ में सूरदास बेकुंड पेठ में ओ नबाह बकर तो राम नाम चित धर दो जो तू राम नाम चित धर दो जो तू राम नाम चित धर दो जो तू राम नाम चित धर दो पाछलो जन्म आगलो तेरो तो जन्म सुधर तो पाछलो जन्म आगलो तेरो तो जन्म सुधर तो जो तो राम नाम हरिबो जो तो राम नाम चित धर तो जो तो राम नाम चित धर तो जो तो राम नाम चित धर तो जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं हे वरियानेस तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न है और जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई है उसको एक ही काम करना चाहिए वो कौन सा काम है बड़े ध्यान से सुनिएगा श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास मत खोय ना जाने इस श्वास के आवन हो न हो ना जाने इस श्वास के आवन हो न हो। संत कहते हैं प्रत्येक श्वास पर कृष्ण का भजन करना है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। आनंद नहीं आया, थोड़ा जोर से बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यक्ति को अपनी मृत्यु सुधारना है तो प्रति प्रति श्वास पर प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रत्येक श्वास पर, कोई श्वास ऐसी नहीं जो खाली जाए। अगर सुखदेव भगवान की वाणी को अगर व्यक्ति मान ले, ध्यान दीजिएगा, तो उसके जीवन में आनंद हो जाए। हम कई कथाओं से सुनाते आ रहे हैं और कई श्रोता ऐसे हमारे जो पुराने हैं हर कथा सुनते हैं, लेकिन ठाकुर जी की जिसके ऊपर कृपा होती है वही। अच्छा, आप लोग भी इतनी कथाएं सुनते हैं, जगह जगह कथा होती है, कथा में जाते ही, और हमने देखा कि व्यक्ति सब कर लेता है लेकिन भजन करने की बोलो तो भजन नहीं होता। किसी को बोलो कि तुझे राम 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 बोलना है, नहीं बोलेगा। और सब कर लेगा, दुनिया के सारे कार्य कर लेगा, लेकिन राम 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 नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि यही सार का सार है। राम राम का भजन, कृष्ण कृष्ण का भजन, जो भी हमको भा जाए, जो नाम भा जाए, या जो गुरुमुखी नाम है, जो गुरुदेव भगवान के प्रदत्त है, उस नाम का निरंतर निरंतर जो गायन करता है, नाम का प्रभाव अद्भुत है साहब। और जिसने नाम पकड़ लिया उसको मृत्यु की चिंता
नहीं रहती है। लेकिन कैसे नाम जपन करना है तो उसके नियम बताए, क्रम बताए द्वितीय स्कंद में, किस तरह व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। हमारे संत कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखता वो ब्रह्म को क्या खाक देखेगा, है ना। जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा जीवन में और वो कहे कि मैं ब्रह्म देखूंगा कहां से देखेगा। और नहीं हो सकता संभव तो कम से कम सूर्य उदय से पहले तो जरूर जाग जाना चाहिए। सूर्य उदय के बाद में सोना हमारे पुण्यों का क्षय करना। सूर्य उदय के बाद में जो व्यक्ति सोता है उसके पुण्य क्षीण होते हैं, जो हम पुण्य कर्म करते हैं ना वो समाप्त तो होते। तो सुबह सुबह अगर हो सके तो प्रातःकाल जल्दी व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। प्रातःकाल का भजन करने का जो समय है वो बड़ा प्यारा है। उस समय भजन करने पर मन अपने आप लग जाता है, सारी लाइन क्लियर रहती है। सुबह सुबह का जो आनंद होता है ना अद्भुत होता है। रात्रि तो निशाचरों की होती है, रात्रि में तो निशाचर जागते हैं, दिन तो देवताओं का होता है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। और सुबह जल्दी उठ के दोनों हाथों को मसलते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी प्रमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे हाथों का दर्शन करना चाहिए। पृथ्वी देवी को स्पर्श भी करना चाहिए, भूदेवी को प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, हे पृथ्वी माता अब ये तेरा बालक दिन भर तुझ पर ही घूमेगा और तमाम जो भी उल्टा सुलटा है वो सब दिन भर करता रहेगा, आप क्षमा करना। हे भूदेवी आप तो क्षमा की देवी है, आप क्षमा करना। इस भाव से पृथ्वी देवी को, भू माता को प्रणाम करना चाहिए। देखो जितना भी हम कार्य करते हैं सब पृथ्वी देवी पर तो करते हैं, मलमूत्र आदि त्याज्य व्यक्ति पृथ्वी पर ही करता है, कहां अलग से जाएगा, पृथ्वी माता है। लेकिन पृथ्वी देवी पर सब व्यक्ति करे पर थूकना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, एक थूकना बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। और माताजी पृथ्वी माता सब क्षमा कर देती है, लेकिन जो हम थूकते हैं ना बार बार, लोगों की बड़ी आदत होती है खराब, बार बार थूकते हैं, वो क्षमा नहीं करती, वो नाराज होती। उदाहरण के लिए समझो कोई छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता वो मैया की गोदी में रहेगा, तो अगर उसने पेशाब कर ली, मलमूत्र त्याग कर दिया, तो मैया उसको साफ कर देती है, नाराज नहीं होती, नहीं होती है ना, क्योंकि बच्चा समझता ही नहीं, उसको साफ रखती है, सफाई करती है। वो मलमूत्र करने के बाद भी माँ उस पर नाराज नहीं होती। पर आप देखना कभी कभी बच्चा, छोटा सा बच्चा अगर मुंह में से थूक निकाले तो आप स्वयं उसको अनुभव करें। अभी कहीं थूकने लगे तो मैया एक गल में देती, बोले ऐसे नहीं करते, है ना। तो साधारण मैया नाराज हो जाती है तो वो तो पृथ्वी मैया है। अब ये खास करके उनके लिए जो तमाकू खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, है ना, जो कोई ना कोई ज्यादा व्यसन कर, वो उतार तो सकते नहीं, वो क्या करेंगे, वो थूकेंगे ही, है ना। और बार बार थूकेंगे, ऐसा भी नहीं एक दो बार, बार बार थूकेंगे पृथ्वी पर। थूकने पर पृथ्वी मैया को नाराजगी होती है, इसलिए पृथ्वी देवी पर संभवतः नहीं थूकना चाहिए। भूदेवी को प्रणाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री का जाप ब्राह्मण को करना चाहिए। अन्य वर्ण है तो जो भी नाम है उसका जपन करना चाहिए नियम से। ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए, ठाकुर जी की हर घर में सेवा होना चाहिए। कोई भी घर ऐसा ना हो जिसमें ठाकुर की सेवा ना हो। और ठाकुर की सेवा के साथ भगवान को भोग भी नित्य लगाना चाहिए। बिना भोग लगाए माताओं को भोजन नहीं करना चाहिए, ना परिवार वालों को खिलाना चाहिए। पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, बाद में ही पाना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं भुंजते ते त्वगम पापम, जो व्यक्ति मेरा भोग लगा करके नहीं पाता है वो अन्न को नहीं पाता, वो तो अपने पाप को खाता है, अपने पाप को पाता है। इसलिए भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। दो रोटी
सबसे पहली रोटी है वो कुत्ते की निकाल गाय माता की निकालना चाहिए पहली रोटी, और सबसे आखिरी वाली है वो कुत्ते की निकालना चाहिए। पहली रोटी गाय वाली पतिदेव को नहीं खिलाना चाहिए, आजकल तो सब उल्टा हो गया, पतिदेव जल्दी जल्दी होता है ऑफिस जाने, बोले जरा जल्दी है जल्दी बनाओ। श्रीमती जी क्या करती है, जो गाय वाली है वो तो पति देवता को खिला देती है। अब बेचारी को मालूम नहीं होता ना, तो जो आखिरी वाली होती है कुत्ते वाली वो स्वयं, अब जिसकी रोटी होती है उसके गुण तो आएंगे ना। अब बेचारा पति देव गाय की रोटी खा करके गाय जैसा हो गया, कुछ बोलता ही नहीं, और कुत्ते वाली रोटी पत्नी खा करके। अब वो आगे हमको नहीं कहना, अभी 3 दिन और कथा करना। बेचारा गाय जरा चुपचाप बैठ करके सुनता रहता है और पत्नी चिल्लाती रहती है। अब जिसकी रोटी खाओगे तो असर तो आएगा ना, पहली रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालना चाहिए। गौ माता की बड़ी महिमा है, गौ माता को रोटी खिलाने से सारे देवता तृप्त हो जाते हैं, इसलिए गौ माता को रोटी जरूर खिलाओ। बोलो गौ माता की जय। तो सुंदर ऐसा जीवन जीना चाहिए, और समय समय पर निरंतर जब जब याद आवे तब तब भगवान का भजन करते रहना चाहिए। प्रभु का स्मरण नाम छूटे नहीं, प्रभु का नाम हमेशा हमारे साथ में रहे। श्री हरि का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम निरंतर गाते रहो। सुखदेव भगवान सुंदर वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को, सृष्टि के विस्तार की कथा को सुनाते हैं। सृष्टि के विस्तार में जब कुछ नहीं था तब महत्तत्व का प्रकट किया, महत्तत्व को, उससे आकाश तत्व को प्रकट किया, आकाश तत्व से वायु तत्व को प्रकट किया, वायु तत्व से जल तत्व को प्रकट किया, और जल तत्व में निवास करते हैं नारायण। जो जल में निवास करे उनका नाम है नारायण। नार मने होता है जल, अयन मने होता है शयन करना, जो जल में शयन करे उसका नाम है नारायण। नारायण भगवान ने सोचा कि हम एक से अनेक हो जाएं, सोई नाभि में से एक कमल की नाल निकली, कमल का पुष्प बन गया, उस पे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोल ब्रह्मा जी महाराज की जय। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने आसपास देखा, खोज करी कि मैं कहां से आया हूं, तो 4 मुख से पता लगाते रहे लेकिन पता नहीं लगा कि मैं कहां से आया हूं। जरा सोचिए, जो 4 मुख वाले ब्रह्मा, हमको तो एक ही है। अब हमको अगर पूरब में देखना है तो सामने, पश्चिम देखना है तो पीछे मुड़ेंगे, उत्तर देखना है तो इधर, दक्षिण देखना है तो इधर, लेकिन ब्रह्मा जी तो एक साथ 4 दिशाओं में देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी पता नहीं लगा पाए कि हम कहां से आए हैं। जब 4 मुख वाला पता नहीं लगा पाया तो 1 मुख वाला कैसे पता लगा सकता है कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाऊंगा। कमल की नाल में अंदर प्रवेश कर गए, 1000 वर्षों तक घूमते रहे लेकिन छोर का पता नहीं लगा कि आखिर इसका छोर कहां है। घबरा करके वापस पुनः बाहर आ गए, और जब बाहर कमल की नाल पर बैठे सोचने लगे मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, मैं कहां से आया हूं, उस समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि तुम तपस्या करोगे। 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा, तावर्ग पावर्ग सुनाई दिया। तपस्या करोगे तो पता लगेगा कि तुम कहां से आए हो, और ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया है। इस कथा से यह प्राप्त होता है कि बिना तप के व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यक्ति जब तक तप नहीं करेगा तब तक अपने आप को जान नहीं सकता है, उसको तपस्या तो करनी ही होगी। ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या करी और इतना तप किया कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। नारायण भगवान की। नारायण भगवान ने कहा, ब्रह्मा मैंने तुम्हें बनाया है
और मैं तुम्हें एक पद देता हूँ, उस पद का नाम होगा विधाता। तुम्हें आज से विधाता बनाता हूँ, तुम सृष्टि का विस्तार करोगे। ठीक है महाराज, लेकिन आप तो भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, आप सब कुछ जानने वाले। जब किसके किसी के पास में पद आता है ना, तो उसको अभिमान भी आता है, और अभिमान आने के बाद में व्यक्ति मिट जाता है। तो आप कृपा करके हमारे अंदर ये अभिमान ना आवे कि हम विधाता हो गए, हम ब्रह्मा बन गए। इसके लिए कोई ना कोई उपाय जरूर बताइए। नारायण भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी हम तुम्हें चार गोलियां देते हैं, ये चार गोलियां रोज खाते रहना, सो ये अभिमान रूपी बीमारी तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होगी। और सुंदर नारायण भगवान ने चार श्लोक सुनाए हैं ब्रह्मा जी को, और वो चार श्लोक जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। क्या कहते हैं? चतुश्लोकी भागवत। जो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई थी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, नारद जी ने व्यास जी को बताई, और व्यास जी ने वही चार श्लोकों से 18,000 श्लोकों की भागवत तैयार की थी। बोले भागवत भगवान की जय। जिनको याद है वो मेरे साथ बोले, ना याद हो तो आसन लगा करके बैठ करके सुन ले। ये मूल भागवत चतुश्लोक की भागवत जिसको बोलते हैं, जिसमें चार श्लोक है जो सर्वप्रथम नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई थी। इसको सुनने से भागवत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि मूल भागवत सार भागवत चतुश्लोक की भागवत ही मानी जाती है। चार श्लोकों में है कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् रिते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा देशो न ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्याम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले भागवत भगवान की जय। ये चार श्लोकों में श्रीमद् भागवत नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई है। इसमें बड़ा सुंदर वृत्तांत कहा है, ब्रह्मा जी सबसे पहले मैं ही आया हूं, जो तुम जीव बनाओगे उनके अंदर भी मैं ही रहूंगा। तुम कभी ये मत सोचना कि मैंने निर्माण किया है। तुम निर्माण तो तुम करोगे, शरीर तो तुम बनाओगे, लेकिन जब तक मैं उसके अंदर विराजमान नहीं होऊंगा तब तक तुम उसको चला नहीं पाओगे। शरीर तो तुम बनाओगे, लेकिन मैं जब बैठूंगा तब ही उसकी महिमा रहेगी। तो ब्रह्मा जी महाराज शरीर जरूर बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रभु ही विराजमान होते हैं आत्मा के रूप में, तब व्यक्ति जीव चल पाता है। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने भागवत के दृष्टिकोण से रुद्र को प्रकट किया है। रुद्र को प्रकट किया ब्रह्मा जी महाराज ने, रुद्र को आदेश किया तुम सृष्टि बनाओ, लेकिन भोले बाबा ने भूत पलीतों को बनाया जो एक दूसरे को खाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा जितने बना दिए वही रोक दो महाराज, आपकी सृष्टि इतनी ही ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी महाराज ने कहा तो भगवान भोले बाबा ने वही अपनी सृष्टि को रोक लिया। ब्रह्मा जी महाराज ने एक सुंदर दंपत्ति को प्रकट किया, 10 महात्माओं को प्रकट किया, और एक दंपत्ति को प्रकट किया जिस दंपत्ति का नाम है मनु शत्रुपा। तृतीय स्कंद में चरित्र आता है। मनु शत्रुपा के यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले प्रारंभिक में पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की मनु शत्रुपा के द्वारा, और मनु शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया। 3 बेटियां हुई, 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों के नाम हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति।
ये सृष्टि का क्रम है, थोड़ा सा ध्यान से सुन। दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, दो पुत्र हुए और तीन पुत्रियां हुई। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, और बीच वाली जो बेटी थी देवहूति उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में। बोलो जय श्री कृष्ण। बीच वाली पुत्री का जो संवाद है, जो प्रसंग है, वो तृतीय स्कंद में सुनाया। कर्दम जी महाराज के यहां पर नौ पुत्रियां हुई, नौ बेटियां हुई, और नौ बेटियां कोई साधारण नहीं है। आप लोगों ने नाम सुना होगा सती अनुसुईया का। ये सती अनुसुईया कर्दम बाबा की ही बेटी थी, कर्दम बाबा की। कोई पूछ ले आपसे कि सती अनुसुईया के पिताजी का नाम क्या, तो कर्दम बाबा। माताजी का नाम है देवहूति मैया, सती अनुसुईया की। नौ बेटियां नौ महान संतों को ब्याही गई, और जो दसवां बेटा हुआ वो भगवान का साक्षात नारायण का अवतार कपिल देव भगवान, कपिल स्वयं महाराज मां देवहूति के सामने प्रकट हुए। बोल कपिल देव भगवान की जय। और कपिल देव भगवान को नमन किया, प्रणाम किया। एक बार हम भी प्रणाम कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। कपिल देव भगवान तो प्रणाम करते हुए नारायण का नाम उच्चारण कर ले। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुंदर कपिल देव भगवान का प्रगट्य हुआ है। बोल कपिल देव भगवान की जय हो। भाव से ताली सेवा करते हुए आनंद लेंगे, रसिक बिहारी को नमन कर लेंगे भाव से झूमते हुए, क्योंकि रसिक बिहारी की कथा तरफ जाना है हमको। संक्षिप्त में ही कथा का दर्शन करते हुए चलेंगे, समय का भी अभाव है। तो भाव से ताली सेवा करते हुए झूमते हुए जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। हरि बोलो। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी। जय राधा राधा जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा रसिक बिहारी, राधा रसिक बिहारी बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। श्री राधे
राधा के संग में बिहारी बिराजे, 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 मोहन के संग में श्री राधा बिराजे, मोहन के संग में श्री राधा बिराजे, राधा के संग में बिहारी, राधा के संग में बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। हरि बोल शिवाधे राधे। पीताम्बर है इन पे नीलाम्बर, इन पे पीताम्बर है इन पे नीलाम्बर, ताम्बर है इन नीलाम्बर, इन पे पीताम्बर है इन पे नीलाम्बर, राधा के रंग में रंगे श्याम सुंदर, राधा के रंग में रंगे श्याम सुंदर, मेरे काना पे 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 कमरी गारी राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुंदर कपिल देव भगवान प्रकट हुए, सुंदर उत्सव मनाया और नौ बहनें भी आई जिनका विवाह कर दिया था, और सभी के साथ में बैठ करके कपिल देव भगवान ने सुंदर माँ देवहूति को कथा सुनाई है, और जो कथा सुनाई है सत्संग किया है, और जो भगवान कपिल के मुखारविंद से जिस शास्त्र का उच्चारण हुआ है उस शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र का अद्भुत निरूपण किया है, और मां देवहूति उस कथा को सुनते सुनते प्रेम की नौ दशा होती, नवी दशा पार कर गई, और नौवीं दशा पार करने के बाद में मां देवहूति का शरीर जल रूप में परिवर्तित हो गया, और वहां से एक नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी जिसका नाम है सिद्धिदा। सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। सत्संग की महिमा अनंत है। सुंदर भगवान कपिल देव का चरित्र है,
कपिल देव के साथ में चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र बताया गया, जिसमें सती का विवाह हुआ भगवान भोले बाबा के साथ में, लेकिन दक्ष यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्म कर दिया। वही सती फिर पार्वती बन करके आई और भगवान भोले बाबा के साथ पुनः विवाह हुआ। बड़ी सुंदर कथा है। इसी के साथ में सुंदर ध्रुव चरित्र बताया। आप लोगों ने कई बार कथा प्रसंग के माध्यम से श्रवण किया है। आज ठाकुर जी का जन्म कराना है तो सब संक्षिप्त में कथा का दर्शन करना है। भगवान की कथा सब आनंद दिलाने वाली है। ध्रुव कथा ध्यान दीजिएगा, बचपन से ही ध्रुव ने तपस्या करी। 5 वर्ष की उम्र में तपस्या करने के लिए चले गए और केवल 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। पंडमे मास्य अनुप्राप्ते जितस स्वासो नपात्मजा। राजा के पुत्र ने 5वें महीने में अपनी श्वास को जीत लिया और प्रभु का ध्यान लगाया। ठाकुर जी नारायण भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी को दर्शन दिया, पूरे परिवार को दर्शन दिया और फिर हजारों वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, ध्रुव के वंश का निरूपण करते हैं। ध्रुव का शरीर सा शरीर विमान में बैठ करके और गए हैं और आज भी ध्रुव अटल तार के रूप में देखे जाते हैं। आज भी पंडित जी महाराज जब शादी पढ़ाते हैं ना तो ध्रुव तारा बताते हैं कि भैया ये ध्रुव तारा देख लो। वो तो पंडित जी को भी पता हो तो, और जजमान को भी पता हो तो उसको भी वो तारा दिखाते हैं। वो दिखे ना दिखे वो भी हाँ कर देता है, हाँ दिख गए। पर वो परंपरा चली आ रही है। तो ध्रुव जी अटल रूप में विराजमान है। छोटे से बचपन में ही ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। इसी के साथ ध्रुव के जो पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के वेन, इन सब की कथाएं हैं चतुर्थ स्कंद में। पुरंजन आख्यान बताया है। प्राचीन बर ही राजा को नारद जी ने पुरंजन आख्यान सुना करके और वैराग्य धारण कराया था। बड़ी प्यारी कथाएं हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चित्र सुनाए। चतुर्थ स्कंद में जो बड़े, जो छोटे बेटा उत्तानपाद है उनका चरित्र, बड़े पुत्र प्रियव्रत का चरित्र पंचम स्कंद में सुनाया। इनके पुत्र हुए ऋषभदेव जी महाराज। जैन में, जैन संप्रदाय में 8वें तीर्थंकर माने जाते हैं। उनकी बड़ी प्यारी कथा है ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। उनके सबसे बड़े बेटा जो थे उनका नाम था भरत, और भरत अपने पुत्र सुमति को राज्य गद्दी पर बिठा करके सीधे चले गए जंगल में भजन करने के लिए। एक समय होता था जब राजा महाराजा घर को छोड़ देते थे। 100 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन होता था, 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का निरूपण होता था और 25 वर्ष महाराज वानप्रस्थ और 25 वर्ष सन्यास। इस तरह से व्यक्ति को जीना चाहिए। वानप्रस्थ में फिर धीरे धीरे घर को छोड़ देना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ पर नियम परंपरा है ना, क्या अद्भुत नियम है साहब। उन नियमों को देख करके ही हमने ये तीर्थों की कथा प्रारंभ की थी कि भाई कम से कम वैसे तो व्यक्ति घर नहीं छोड़ता, पर वैसे 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फिर घर को छोड़े तीर्थ यात्रा करना चाहिए। कम से कम 15 दिन, 1 महीना कोई कोई तीर्थ में जाकर के वास करो। जब तीर्थ का वास करेंगे तो घर छोड़ने का मन हमारा बनेगा। तो सुंदर आश्रमों का व्यवस्था है हमारे यहां। तो भरत जी महाराज जंगल में गए, तपस्या करी, लेकिन एक हिरण के बच्चे में फंस गए और ऐसे फंसे कि हिरण की याद करके मरे, सो दूसरा जन्म हिरण का ही बनना पड़ा। हिरण बने, लेकिन अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। एक दिन जंगल में आग लगी, हिरण जल करके राख हो गए, लेकिन तीसरे जन्म में वही भरत महाराज एक पंडित जी के यहाँ पर जन्म लिए, जिनका नाम हुआ जड़ भरत। और जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण से मिलते हैं और जड़ भरत रघुगण संवाद में भागवत में बड़ा प्यारा बताया गया है। पंचम स्कंद में भूगोल, खगोल आदि का वर्णन किया है, नरकों की कथा का वर्णन किया है। 6ठे स्कंद में, अब थोड़ा ध्यान से 5-10 मिनट में मैं पूरी कथा आपको थोड़ा संक्षिप्त में ले चल रहा हूं, इसलिए ध्यान से श्रवण कर लें। 6ठे स्कंद में
जब पंचम स्कंद में नरक की कथा सुनाई तो परीक्षित महाराज घबराने लगे कि 28 प्रकार के नरक होते हैं और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तामिश्र अंध तामिश्र रोरव महारोरव कुंभी पाक असिपत्रवन सूकर मुख लाला भक्ष बेतरनी आदि कई प्रकार के नरक हैं और जो जैसा कर्म करता है उसको जाना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज घबराए, फिर तो भगवान हर व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा। बोले राजन, जिस व्यक्ति ने मरते समय एक बार भी अपनी जीभ से कृष्ण का भजन कर लिया हो उसको नरक में जाना नहीं पड़ता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल नामक एक ब्राह्मण था, दुष्ट था, वेश्याओं के साथ रहता था, लेकिन वेश्या ने अपने पुत्र का नाम संत बाबा के कहने पर नारायण रख दिया और जब यम के दूत आए तो बड़ी जोर से चिल्लाया, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। और जब आवाज लगाई तो भगवान नारायण ने वो आवाज अपना माना और भगवान नारायण ने पार्षद भेज करके यम के दूत को वहां से भगा दिया और अजामिल की रक्षा करी। बोले नारायण भगवान की जय। इस कथा से पता लगता है कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो जाए, अगर भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण कर ले तो उसके सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। सुदर छठे स्कंद में अजामिल आख्यान सुनाया है। सातवें स्कंद में सुंदर प्रहलाद चरित्र सुनाया है। दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का उद्धार वाराह भगवान ने कर दिया। जब वारा भगवान ने उद्धार कर दिया तो हिरण्यकश्यपु के मन में बदला लेने की भावना जगी और उसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में किसी के हाथ से ना मरूं। सारे वरदान लेकर के आया और ऐसे समाज का निर्माण किया जहां कोई भगवान को नहीं मानता और ऐसे राक्षस के घर में माँ कयाधु के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जो भगवान का बड़ा प्यारा भक्त, जिसका नाम हुआ भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जन्म लेते ही हरि का भजन करते थे, थोड़े से बड़े हुए नारायण नाम का उच्चारण करते थे। हिरण्यकश्यपु ने एक दिन समझाया, बेटा ये हमारे शत्रु हैं, तो अपने पिताजी को ही उपदेश कर दिया, नवदा भक्ति बता दी। पिताजी जो नवदा भक्ति करता है वही भगवान को जानता है, हर कोई भगवान को नहीं पहचानता। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, आदेश किया सैनिकों को, जाओ ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, इसको मृत्यु दंड दो। तमाम प्रयास किए गए मारने के, ऊपर से पहाड़ से गिरा दिया, सांपों से कटवाया, जहर पिलवाया, लेकिन डाको राखे साईयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी होए। महाराज कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अंत में हिरण्यकश्यपु ने कहा, बता तेरा भगवान कहाँ है। बोले मेरा भगवान तो सर्वत्र है, सामने खंबा था कहा इसमें है। बोले हाँ जब सर्वत्र है तो इसमें भी है। जैसे ही खंबे की तरफ दौड़ा, अंब के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, युद्ध किया और जैसे ही शाम का समय हुआ उसी समय अपनी द्वार दहली में बैठ करके गोदी में पटक लिया, सारे वरदान पूरे कर दिए और देखते देखते नरसिंह भगवान ने अपने लंबे लंबे नखूनों से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर स्तुति करी है, भागवत में सुंदर स्तुति प्रकरण आया है। प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर के नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। सप्तम स्कंद में सुंदर चरित्र है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रकरण भी बताया गया है। गृहस्थ धर्म बताया, वानप्रस्थी को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए इत्यादि आदि कथाओं को थोड़ा विस्तार किया है। 15 अध्याय। अष्टम स्कंद में एक मनवंतर में श्री हरि भगवान ने उतार लिया गजेंद्र का उद्धार करने के लिए, गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए ग्रहा का उद्धार किया प्रभु ने और गजेंद्र सुंदर श्री हरि भगवान की स्तुति करता है। उसी के साथ सुंदर समुद्र मंथन की कथा सुनाई।
देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। उसमें 14 प्रकार के रत्न निकले। पहला निकला हलाहल विष, जिसको भगवान भोले बाबा ने पान कर लिया। आखिरी वाला जो रत्न निकला वो निकला अमृत कलश। भगवान धन्वंतरी लेकर के प्रकट हुए और जैसे ही आगे बढ़े तो दैत्य लोग भगवान से छुड़ा करके ले गए। भगवान मोहनी बनकर के आए और मोहनी बनकर के देवताओं और दैत्यों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई एक एक लाइन बना करके बैठो और हम तुम्हें वितरित करेंगे। दैत्यों को समझाया कि तुम्हें हम बाद में पिलाएंगे। बोले क्यों? बोले देखो ऊपर ऊपर जो अमृत है वो तो पानी पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तो पानी पानी तो देवताओं को पिला देंगे और गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला देंगे। देवता लोग समझ गए, सो बेचारे चुपचाप बैठे रहे और मोहिनी देवी ने, भगवान नारायणी मोहिनी बने थे, सो सबको अमृत पान करा दिया। लेकिन सूर्य चंद्र के बीच में एक स्वर भानु नामक दैत्य पहचान गए कि ये कोई मोहिनी नहीं है और ये अमृत बांट रहे हैं। सो बीच में जाकर बैठ गया, उसने अमृत पान कर लिया, गले के नीचे उतर गया। मोहिनी भगवान ने देखा कि ये तो दैत्य है, सो हाथ में तुरंत चक्र सुदर्शन आया और जैसे ही चक्र सुदर्शन चलाया सो उसके गले पर गया, धड़ अलग हो गया और गर्दन अलग हो गई, लेकिन अमृत अंदर पहुंचने से वो अमर हो गया और वह दोनों नवग्रह में अपना स्थान बना लिए राहु और केतु के नाम से। पहले वही स्वर भानु नाम का दैत्य था, फिर वही राहु और केतु हो गया। इधर महाराज दैत्यों को जब मालूम पड़ा कि हमारे साथ बड़ा पाखंड हुआ है तो राक्षस और देवताओं में बड़ा युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम है आप लोगों को पता हो ना हो लेकिन अब पता कर लेना, उस समय जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था देवासुर संग्राम। बड़ा भयंकर बड़ा भारी देवासुर संग्राम वहां हुआ। देवता लोग अमृत पीकर के बलवान हो चुके थे, सारे राक्षसों को मार दिया, सारे राक्षस मारे गए, देवता अमृत बचा उसको लेकर स्वर्ग में लेकर चले गए। इधर शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु है, मन में विचार किया कि भाई छल हुआ है हमारे चेलों के साथ में, तो उनके पास में मृत संजीवन विद्या थी, उस विद्या से जितने भी राक्षस मारे गए थे वापस उनको जीवित कर दिया, जिला दिया। और जो राक्षसों के जो राजा थे उनका नाम था राजा बलि। राजा बलि ने कहा गुरु महाराज हमारे साथ दैत्यों ने देवताओं ने अच्छा नहीं किया, छल किया है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। स्वर्ग का जो राजा इंद्र है वो इंद्रासन मुझे चाहिए, आप कृपा करके बताओ मुझे क्या करना है। शुक्राचार्य जी ने कहा अगर तुम्हें इंद्रासन चाहिए तो तीन काम करने होंगे। क्या क्या? पहला है गौ सेवा, दूसरा है संत सेवा और तीसरा है ब्राह्मण सेवा। तुम्हें जो अच्छा लगे वो सेवा करो, तुम इंद्रासन बहुत जल्दी प्राप्त करोगे। उसको भाग गया, मुझे ब्राह्मणों की सेवा करना है। सो ब्राह्मण देवताओं की सेवा करने लगा राजा बलि, और ब्राह्मण देवता तो बड़े शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों की सेवा जब राजा बलि ने करी तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और ब्राह्मणों ने अपने तप के प्रभाव से राजा बलि को एक रथ दिया। बोले इस रथ पर बैठ करके तुम जिससे भी युद्ध करोगे उसको हारना ही पड़ेगा, ऐसा हमारा वचन है राजा। बोले महाराज देवताओं के साथ में तो भगवान नारायण है। बोले अगर नारायण भगवान स्वयं भी आएंगे तो उनको भी तुमसे हारना पड़ेगा, ऐसा ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। अब राजा बलि उस रथ को लेकर के आया। रथ इतना दिव्य तेजस्वी रथ था जिसको देख करके, उसके रेज को देख करके देवता लोग घबराने लगे, भागने लगे, कोई टिक नहीं पाया, सब देवता भाग गए और इंद्रासन पर राजा बलि जाकर के बैठ गए। अपने गुरुदेव भगवान को कहा भगवान मैंने इंद्रासन को प्राप्त कर लिया लेकिन ये हमेशा के लिए मेरा बना रहे उसके लिए मुझे क्या करना है? बोले उसके लिए तुमको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वही इंद्रासन पर ज्यादा लंबे समय तक टिक पाता है। आज्ञा मान करके नर्मदा मैया के किनारे पर गुजरात में भड़ूच के पास में एक स्थान है जहां पर राजा बलि ने तपस्या करी थी, वहां जाकर के महाराज यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और यज्ञ प्रारंभ हुए,
यज्ञादि कर्म जब प्रारंभ हुआ, पहला यज्ञ पूर्ण हुआ, दूसरा यज्ञ पूर्ण हुआ, तीसरा यज्ञ पूर्ण हुआ, देवता लोग भटकने लगे इधर उधर। तो देवताओं की माता अदिति को चिंता लगी। देखो राक्षसों की माता का नाम दिति है और देवताओं की माता का नाम अदिति, और दोनों ही कश्यप भगवान की संतान है। तो अदिति को चिंता लगी। कश्यप भगवान ने एक व्रत बताया, मैं भागवत में उस व्रत का नाम है पयो व्रत। अच्छा, जिसको संतान नहीं होती है ना, वो माताएं भी इस व्रत को करती है सुंदर बालक की इच्छा के लिए। तो पयो व्रत बताया और वो पयो व्रत किया माँ अदिति ने। और जब माता अदिति ने पयो व्रत किया तो सुंदर भादो का महीना आया, और भादो के महीने में द्वादशी तिथि को, और आज एकादशी भी है वैष्णवी और द्वादशी भी आ गई है, तो द्वादशी तिथि में ही भगवान वामन का प्रागट्य हुआ था। वामन भगवान की झांकी है, चलो नहीं बनी है तो कोई बात, हाँ ठाकुर जी की झांकी ले आना। तो वामन द्वादशी को वामन द्वादशी को भगवान वामन प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। और बड़ा सुंदर वामन भगवान का रूप है, माँ अदिति के सामने प्रकट हुए हैं। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, बटवा जैसो मोह है, टमाटर जैसे गाल है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर प्यारा वामन भगवान का स्वरूप है। तम बटुम बामनम, छोटे से वामन भगवान है, छोटा सा स्वरूप है। देवता लोग देख करके पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बोलो वामन भगवान की जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। बोलो वामन भगवान की जय हो। ताली सेवा करते हुए देखो हमारे मध्य में वामन भगवान प्रकट हो गए। क्या हुआ, झूम रहे काली सेवा करे। जय जय हो। एक कुर्सी ले, कुर्सी पे बिठा दे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल है कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल है कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले काजल है कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। चाल अजब मत
कोतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की झंकार पे तेरी पायल की झंकार बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू अरे से पूजा करवा रहे चरण में लगाओ तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं तारे तारे तेरे नयन बड़े मतवारे लटके हैं तारे तारे तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं तारे तारे तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं तारे तारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे 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 बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने 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 बिहारी जी ने ओ बिहारी जी ने हाँ बिहारी जी ने ओ बिहारी जी ने रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने भगवान की जय हो।
कर में दंड कमंडल सोहे, 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 सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, माधुरी सूरत सांवरी सूरत, माधुरी मूरत सांवरी सूरत, माधुरी मूरत सांवरी सूरत, माधुरी मूरत माधुरी मूरत माधुरी मूरत माधुरी माधुरी मूरत सांवरी सूरत, माधुरी मूरत सांवरी सूरत, छवि मुनि न मन भायो रे बिहारी जी ने, छवि मुनि न मन भायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, सभी शांति से बैठ जाइए। 20 मिनट 15-20 मिनट में हम ठाकुर जी का कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे धूमधाम से। सभी शांति से बैठ करके शेष कथाओं को श्रवण करें। बोलो वामन भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलो, बोलो वामन भगवान की। सुंदर भगवान वामन का प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा आदि देवताओं ने छत्र धारण कराया, कमंडलू दिया और पादुका पहना करके वामन भगवान को दान मांगने के लिए भेजा। अपने सुंदर दर्शन किया, राजा बलि की यहाँ दान मांगने गए, संकल्प कराया 3 पैर भूमि का। भूमि दान सबसे बड़ा दान माना जाता है और प्रभु ने भगवान वामन ने भूमि दान ही करवाया, भू दान कराया। बोले 3 पैर भूमि हमको चाहिए
और वामन भगवान का जैसे ही संकल्प पूरा हुआ और वामन भगवान ने संकल्प पूर्ण करते ही वामन से बन गए विराट रूप बन गए। बोले विराट भगवान की जय। अपने एक चरण से पूरे भूमंडल को नाप दिया, दूसरे चरण से दूसरा चरण गया आकाश मार्ग में। अच्छा आकाश में जब गया तो ऊपर के सातों लोक भूभुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, सातों लोकों को पार करके वो चरण कर चला गया ब्रह्मांड कटाह में और ब्रह्मांड कटाह को भी फोड़ दिया। जब ब्रह्मांड कटाह को फोड़ा उस चरण ने तो वहां से एक धार निकली, ठाकुर जी के चरणों को प्रक्षालित करते हुए वह धार ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मा जी महाराज के कुंडलों में धारण हुई और वहां से फिर भगवान भोले बाबा की शंकर की जटा पर जाकर के समाविष्ट हुई। वही शंकर की जटा में से स्वर्ग में पहुंची। स्वर्ग में चार भाग हुए, सीता, अलखनंदा, चक्षु, भद्रा। और भगीरथ महाराज की तपस्या करने पर फिर भागीरथी बनी, गोमुख से निकल करके गोमुख को पावन करते हुए उत्तराखंड की भूमि को पावन करते हुए ऋषिकेश में हरिद्वार में पधारी और हरिद्वार से सोरो सुकर क्षेत्र होते हुए उत्तर भारत से फिर बिहार होते हुए महाराज पश्चिम बंगाल में सागर में जाकर के मिल जाती है। बोलो गंगा मैया की जय। यह जो धार निकली है ये और कोई नहीं साक्षात गंगा मैया है। गंगा मैया का उत्तरण होता है, ठाकुर जी के चरण के द्वारा गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है, ठाकुर के चरणों से निकली है। और जो भी दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, पान करते हैं, उसके सारे पाप तापों का हाँ नाश करती है गंगा मैया। बोल गंगा मैया की अद्भुत है गंगा मैया, अद्भुत दर्शन है, निर्मल गंगा का जल है। हमारे आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं गंगा जल का लव निमेश जो नित्य पान करता है, डेली गंगा जल पान करता है उसको यम का भय नहीं रहता है, यम के दूत आसपास भटकते भी नहीं है, इसलिए गंगा जल जरूर पान करे। बोल गंगा मैया की जय। नारायण भगवान ने वामन भगवान ने कहा कि भाई दो चरण से हमने एक से पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे से आकाश मंडल को नाप दिया, अब राजा बलि बता तीसरा चरण कहां रखूं। तो राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप ही बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। बोले धन का मालिक, तो बोले आप मेरे सिर पर ही चरण रखो। और ठाकुर जी ने अपना चरण राजा बलि के माथे पर रखा। ध्यान दीजिएगा, राजा बलि ने वो मांग लिया जो किसी को प्राप्त नहीं होता, बड़े बड़े योगियों को मनीषी जनों को जो प्राप्त नहीं होता वो राजा बलि ने सहजता से प्राप्त कर लिया। ठाकुर जी ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर रखा और इतना भजन लगाया कि पाताल लोक में पहुंचा दिया और पाताल लोक का राजा उसको बना दिया। बोलो भक्तों भगवान की जय। राजा बलि पाताल लोक के राजा बन गए। बनना चाहते थे स्वर्ग के राजा, लेकिन जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है, पाताल लोक के राजा बना दिए तो भी खुश है। राजा बलि ने सुंदर स्तुति करी, प्रार्थना करी, भगवान ने कहा राजा बलि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, जो हमने वरदान मांगे थे वो तुमने पूर्ण किए, अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ। राजा बलि ने कहा सरकार जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो और महल के अंदर जाऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान ने राजा बलि की बात मान ली और वहीं पर अपना आसन लगा करके बैठ गए, दरवाजे पर बैठ गए, भगवान चौकीदार बन गए। जब राजा बलि जाते तो भगवान को दर्शन करते, वापस आते तो दर्शन करते। बहुत समय हो गया, नारद जी महाराज गए, घूमते घूमते लक्ष्मी मैया से बात की, बोले भगवान नारायण कहाँ हैं। बोले वो तो राजा बलि के यहाँ गए हैं। बोले गए तो पर कर क्या रहे हैं आपको पता है। बोले ये तो पता नहीं। बोले वहां जाकर के वो चौकीदारी कर रहे हैं, आप जाओ जाकर के उनको छुड़ा कर खिलाओ। और फिर लक्ष्मी मैया जाती है, राजा बलि के हाथ में बंधन बांधती है और राजा बलि ने कहा बहना क्या चाहिए। तभी से ये राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। बंधन बांधा, बांध करके राजा बलि प्रसन्न हुए, बहना बताओ क्या चाहिए।
बोले तुम्हारे दरवाजे पर जो चौकीदार बैठा है वही चाहिए। राजा बलि ने देखा कि ये तो लक्ष्मी महारानी है, प्रणाम किया, बोले आपके पति देवता है, उन्होंने भी हमारे साथ छल किया, आपने भी किया, लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर ही सब निर्भर करता है। राजा बलि फिर भी खुश हुए, भगवान नारायण बंधन में बंध गए। संत तो कहते हैं कि महाराज आज भी चार चार महीने तीनों देवता राजा बलि के दरवाजे पर पहरा देते हैं, आज भी उस ऋण को उतार नहीं पाए। चार महीने ब्रह्मा जी, चार महीने नारायण भगवान और चार महीना भगवान शंकर, ऐसा कहते हैं। सुंदर उत्सव की बात है ये, बंधन की बात क्या है, भगवान को जो सर्वस्व दे देता है भगवान अपने आप को ही उसे प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की महाराज कृपा है, प्रभु की कृपा है। जो भगवान को सर्वस्व दे भगवान उसको स्वयं को ही दे डालते। बड़ा सुंदर वामन उत्सव राजा बलि का प्रसंग सुनाया है, अष्टम स्कंद अंत में मत्स्य अवतार की कथा सुनाई है, फिर नवम स्कंद में 24 अध्याय है, 24 अध्याय में 12 अध्याय में राम जी का चरित्र है, सूर्य वंश का वर्णन है, और 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन है। अच्छा, सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए कौन आए, श्याम जी, और राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है, राम ही कृष्ण, राम कृष्ण दव एक है, अंतर नहीं निमेश, और इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है, वो क्या है, जब राम जी खड़े होंगे तो सीधे देखेंगे तो सीधे, धनुष होगा तो सीधा, बगल में जानकी जी है तो सीधी, लखन लाल है तो सीधे, राम जी का जो परिकर है वो सीधा, और कन्हैया जब खड़े होंगे तो सीधे नहीं, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, भक्त लोग गाते हैं, बाबा तेरो टेढ़ो, भैया तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी जसोदा दुकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तो श्याम सुंदर टेढ़े खड़े होते हैं, आंखें भी टेढ़ी है, बस यही अंतर है, राम ही सीधे हैं, कन्हैया टेढ़े। वैसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, राम कृष्ण में अगर थोड़ा तुलना करें देखें, तो राम जी के पिताजी का क्या नाम था, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, नहीं पता, क्या नाम था बोलो ना जोर से, ये भाइयों को कोई पता नहीं है, चुपचाप बैठते हैं, हाँ। जब भजन आता है तो ताली भी नहीं बजाते, बस देखते रहते हैं, आनंद लेते रहते, थोड़ा सेवा होना, बोले महाराज आपको कई के लिए बुलाया, आप करो जो करना है, हम तो बैठेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। राम जी के पिताजी का नाम दशरथ, कितने अक्षर हुए, चार। कन्हैया के पिताजी का नाम वासुदेव, कितने अक्षर, चार, तो दोनों बराबर हो गए ना, हाँ, दोनों के पिताजी के नाम अक्षर बराबर है। अच्छा, राम जी की कितनी माता जी, तीन, क्या क्या नाम है, कोसला, सुमिता और केकई। अच्छा, भगवान कृष्ण की कितनी माता जी, अरे राम राम, फिर क्या भागवत जी सुनी, तीन मैया है, यशोदा, रोहिणी और देवकी, बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, तीनों में कितने कितने अक्षर है, यशोदा में कितने अक्षर, तीन, रोहिणी में तीन और देवकी में तीन, इधर राम जी की जो माता जी वो भी तीन, कोसला, सुमित्रा, केकई, कोसला में तीन अक्षर, सुमित्रा में तीन अक्षर, केकई में भी तीन अक्षर, तो तीनों बराबर हो गए ना, माताजी भी तीन तीन और नाम के अक्षर भी तीन तीन, पिताजी का जो नाम का अक्षर है वो भी बराबर, चार अक्षर दशरथ, चार अक्षर वसुदेव। अच्छा, राम जी के बगल में कौन बैठती है, सीता, कितने अक्षर, दो। कन्हैया के बगल में कौन बैठती है, राधा, कितने अक्षर, दो, तो ये भी बराबर हो गया, जो बगल में बैठने वाली है ये भी बराबर, तो राम भी एक है, कृष्ण भी एक है, राम कृष्ण दोनों एक ही है। अच्छा, राम जी के हाथ में क्या है,
धनुष कितने अक्षर जल्दी बोलो तीन। श्याम जी के हाथ में क्या है मुरली कितने अक्षर तीन। तो धनुष में और मुरली में इसमें भी बराबर तीन तीन अक्षर है ना। अच्छा राम जी के गांव में कौन सी नदी बहती है सरयू कितने अक्षर तीन। श्याम जी के गांव में जमुना कितने अक्षर तीन। यहां पर भी बराबर है ना। भगवान ने जहां जन्म लिया उनकी जन्मभूमि का नाम क्या है अवध कितने अक्षर तीन। भगवान कृष्ण ने जहां जन्म लिया मथुरा कितने अक्षर तीन। ये भी बराबर है ना। तो राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और हमारे संत तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं रा और मां के बीच में मथुरा में भगवान प्रकट हुए मथुरा में प्रकट हुए। लेकिन अगर कोई राम और कृष्ण में अंतर बतावे तो वो कैसा। हमारे संत कहते हैं रा और मां के बीच में बसो हुओ है थू मां थू रा। रा और मां के बीच में बसो हुओ है थू राम और कृष्ण में भेद बतावे वागे मुंह। बोलो जय श्री कृष्ण। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। बस एक है मर्यादा पुरुषोत्तम और एक है लीला पुरुषोत्तम। अच्छा एक बात और बता दूं पर दोनों आए हैं यहां पृथ्वी पर जिनके पूर्ण अवतार हैं। राम जी ने जो किया है वो हर व्यक्ति कर सकता है। राम जी ने जो किया है वो हर व्यक्ति कर सकता है और कृष्ण ने जो कहा है वो हर व्यक्ति कर सकता है। ध्यान दीजिएगा राम जी ने जो किया है वो हम जीवन में पालन कर सकते हैं। कृष्ण जी ने जो कहा है वो हम जीवन में पालन कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो हम पालन नहीं कर सकते। अगर करने जाएंगे तो सिर के एक भी बाल नहीं रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने जो कहा है वही कर सकते हैं। राम जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम की कथा सुनकर के लगता है मानो कि राम जी ने कैसे अपने माता पिता की सेवा की। अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए पितृ वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास धारण किया। माता का प्रेम कैसा है पिता का प्रेम कैसा है भाई भाई का प्रेम कैसा है ये सब राम कथा से समझ में आता है। पति पत्नी का प्रेम कैसा होता है ये राम कथा सुनकर के पता लगता है। राम कथा अद्भुत कथा है साहब। मेरे सुखदेव भगवान तो संक्षिप्त में सुनाते हैं महाराज 10वें अध्याय में नवम स्कंद के 10वें अध्याय में संक्षिप्त वर्णन है राम कथा का। लेकिन कृष्ण कथा सुनने से पहले राम कथा सुनाई है उन्होंने भले ही संक्षिप्त किया है कृष्ण कथा को विस्तार किया है। लेकिन राम कथा सुनकर के ही कृष्ण कथा का अधिकारी होता है और राम कथा सुनने से पहले शिव कथा सुनना जरूरी होता है। शिव कथा सुनने के बाद ही राम कथा का अधिकारी होता है। इसलिए चतुर्थ स्कंद में शिव कथा सुनाई है नवम स्कंद में राम कथा सुनाई है और दसम स्कंद में जाकर के फिर कृष्ण कथा को श्रवण कराया है। ये सुंदर विधान है कथा का ये क्रम है। तो भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ है अवधपुरी में। भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया। दशरथ महाराज संक्षिप्त में दर्शन करेंगे और चार भाई एक नहीं दशरथ महाराज के यहां पर चार चार पुत्र प्रकट हुए हैं। बड़ा सुंदर आनंद हुआ है अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। सुंदर मंगल गीत बाजे गाजे हुए सुंदर आनंद उत्सव मनाया गया। बड़ा सुंदर आनंद आया। बोल राम लला सरकार की जय हो। अच्छा राम चरित्र को हमको संक्षिप्त करना है कृष्ण चरित्र की तरफ जाना है इसलिए संक्षिप्त में 5 मिनट में दर्शन कर लें। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र ऐसा कहते हैं। राम चरित्र बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान राम का जन्म हुआ भरत लाल का प्रागट्य हुआ लक्ष्मण लाल का और शत्रुघ्न लाल का चार चार लालाओं का प्रागट्य हुआ है। दशरथ महाराज के महल में सुंदर उत्सव बधाइयां हुई। इसके बाद राम लक्ष्मण थोड़े बड़े हुए गुटमन गुटमन चलने लगे गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सम आई। फिर महाराज गुरुदेव भगवान पधारे विश्वामित्र बाबा
और विश्वामित्र बाबा राम लखन को साथ में ले गए, ताड़का का उद्धार किया प्रभु श्री राम ने, और विश्वामित्र भगवान ने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ को प्रभु श्री राम ने पूर्ण कराया, और पूर्ण कराने के बाद में राम लखन को साथ में लेकर के पहुंचे। रास्ते में अहिल्या जो गौतम नारी है उनका उद्धार करा करके गंगा मैया के महत्व को बढ़ा करके जनकपुरी ले गए हैं विश्वामित्र बाबा। और बड़ा सुंदर राम लखन का जब प्रवेश जनकपुर में होता है तो बड़ा अद्भुत प्रवेश गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने रामचरितमानस में गाया है। मेरे साथ में भगत लोग गए थे जनकपुर में, नेपाल में है जनकपुर, और बड़ा सुंदर हमने भागवत कथा के माध्यम से जनकपुर में जो नेपाल में जनकपुर है वो तुलसी बाबा ने जो जनकपुर की महिमा को गाया है उसको थोड़ा गाने का प्रयास किया था। 7 दिन तक हमने जनकपुर की महिमा गाने का प्रयास किया पर पूरा नहीं हुआ, इतनी महिमा तुलसी बाबा ने जनकपुर की बताई। अगर सबसे लंबा प्रकरण अगर कोई रामचरितमानस में मैंने दिखा तो जनकपुर का आया है, आप कभी पढ़िएगा रामचरितमानस तो सबसे ज्यादा लंबा प्रकरण जनकपुर का ही आता है। बड़ा अद्भुत प्रकरण है, बड़ा अद्भुत वर्णन है जनकपुर का, जनकपुर के वासियों का, जनकपुर की माताओं का, जनकपुर की भूमि का, जनकपुर में क्या क्या है वो सबका वर्णन, और हमने विस्तार से जनकपुर में बैठ करके उसका किया था। बालकृष्ण जी भगवान कह रहे हैं कि हाँ महाराज हुआ था, ये प्रमाण भी दे रहे हैं 7 दिन तक इन्होंने वहां सुना था, अद्भुत आनंद हुआ था नेपाल की धरा पर। बोल जानकी मैया की जय। सुंदर जानकी महल है और उस महल के समीप में बैठ करके हमने कथा गाई थी, गायत्री कुंज वहां पर है और वहीं से दर्शन होता था, किशोरी जी के शिखर का दर्शन होता था, जहां कथा सुनाते थे वहां से शिखर दर्शन भी प्राप्त होता था। अद्भुत आनंद है, जनकपुर का आनंद लेते हैं, जनकपुर के नारियों को प्रभु दर्शन देते हैं। इसी के साथ फिर धनुष यज्ञ का मेला रचाया और प्रभु श्री राम धनुष का भंग करते हैं, जानकी जी का वरण करते हैं। और ऐसा नहीं केवल जानकी जी के साथ विवाह हुआ, महाराज जो तीन भाई और थे ना उनका विवाह भी जनकपुरी में ही होता है। जनक जी की औरस पुत्री थी जानकी, बाकी सब पुत्रियां थी मांडवी श्रुतकीर्ति और उर्मिला और जानकी, इन चारों का विवाह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में बड़ा सुंदर उत्सव मनाते हैं। बारात जब वापस लौटती है सुंदर आनंद होता है, रतलाल जी अपने मामा जी के यहाँ चले जाते हैं, उस समय केकई ने मंथुरा ने केकई की बुद्धि को बिगाड़ा और केकई ने 2 वरदान मांगे। 2 वरदान में पहला भरत को राज्याभिषेक, दूसरा राम जी को वनवास, सबको कथा विदित है। और प्रभु श्री राम अपने पितृ वचन को पालन करने के लिए जाते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए। भगवान गुहराज से मित्रता करते हैं, चित्रकूट धाम में वास करते हैं, 12 वर्ष तक चित्रकूट धाम में ही निवास की। उसके बाद सोचा आगे की लीला करना है, पंचवटी गए नासिक महाराष्ट्र में, और वहां सुपर्णखा आई, लखनलाल के द्वारा नाक-कान कटवाए। प्रभु श्री राम वहां से आगे बढ़े, रावण को जब पता लगा खरदूषण आदि को भेजा, प्रभु ने उनका उद्धार किया। फिर रावण आया साधु वेश में, जानकी को लेकर के गया, जटायु के पंख काटे, महाराज कुछ आभूषणों को गिराया शैल पर जानकी मैया ने, और लंका में ले जा करके अशोक वाटिका में जानकी जी को ठहराया। इधर प्रभु श्री राम को जब पता लगा, ढूंढते ढूंढते गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ढूंढते ढूंढते गए, हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने फिर सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का उद्धार किया भगवान ने, और फिर हनुमान जी महाराज पता लगाने के लिए गए लंका, पता लगाने के लिए गए, जाकर के लंका का दहन किया, मुद्रिका लेकर के आए और राम जी को सारा वृत्तांत सुनाया। और फिर सुंदर बानर सेना तैयार हुई, नलनील ने सेतु बंद किया, भगवान रामेश्वर की स्थापना की, समुद्र के अंदर सेतु बंद हुआ और राम जी की सेना चली पहुंची लंका।
जाकर रावण को चेताया और बताया कि अभी भी समय संभल जा। रावण नहीं माना, युद्ध हुआ और अंत में भगवान ने कुंभकर्ण मेघनादी आदि का उद्धार करके प्रभु श्री राम ने दशानन का भी उद्धार किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम पधारते हैं, अवध में प्रभु का राज्याभिषेक होता है, हर तरफ आनंद ही आनंद होता है। ये राम कथा को हमने संक्षिप्त में आपको श्रवण कराया। अब चलिए कृष्ण चरित्र की तरफ। भगवान आते हैं, उससे पहले राक्षस यहाँ आ जाते हैं, ध्यान देना। जब जब भगवान यहाँ आए हैं उससे पहले राक्षस आए, और भगवान राक्षसों का उद्धार करने के लिए परमात्मा इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं। मेरे गोस्वामी बाबा कहते हैं, चौपाइयों को सुन करके ताली सेवा करते हुए प्रभु के अवतार की तरफ चले। जब जब हो ये धर्म के हानि, 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 बाढ़ ही असुर अधम अभी मानी, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जब बढ़ता है, पृथ्वी जब घबराती है, तब प्रभु यहाँ पर विविध विविध शरीर धारण करके भगवान आते हैं और यही अवतार धारण करते हैं। जब रावण आया तो भगवान राम बन करके आए, और जब कंस आया तो भगवान कृष्ण बन करके आए। एक ही राशि के प्रकट होते हैं प्रभु। कंस के लिए कृष्ण आए और रावण के लिए राम आए। उधर तुला राशि है और इधर मिथुन राशि। भगवान दुष्टों का उद्धार करने के लिए पधारते। परीक्षित महाराज कहते हैं, ये कंस कौन? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी। चंद्रवंश में सूरसेन महाराज थे, उग्रसेन महाराज थे, और उग्रसेन की पत्नी के गर्भ पर द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी। उस छाया के प्रभाव से राक्षसी वृत्ति का बालक हुआ, और उस बालक ने जब जन्म लिया तो ज्योतिषी आ गए, उन्होंने कहा, महाराज ये आपका बच्चा बड़ा होकर के बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का निकलेगा, संतों का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का मारेगा काटेगा और अधर्म को फैलाएगा। उग्रसेन महाराज घबरा गए, अरे भगवान ऐसे बच्चे को हम क्या करेंगे। सो सूप में सुला करके उसको जमुना जी में बहा दिया। जमुना जी में जब बह रहा था तो बहते बहते वसुदेव जी की नजर पड़ी, सूरसेन जी की नजर पड़ी। सूरसेन जी महाराज स्नान कर रहे थे जमुना मैया में। सूरसेन जी ने देखा कि भाई कोई बालक बहते बहते जा रहा है, तो निकाल करके लाए और अपने यहां उसका पालन पोषण किया। लेकिन जब कंस बड़ा हो गया तो एक दिन नारद जी महाराज ने कहा कि भाई कंस, तुम्हारे जो पिताजी है ना वो सूरसेन नहीं, तुम्हारे पिताजी तो उग्रसेन, यहाँ के जो महाराज हैं, मथुरा के जो राजा हैं, वो तुम्हारे पिताजी। हमारे पिताजी के सारा वृत्तांत बताया। बोले ब्राह्मण लोग आए थे और ब्राह्मणों ने कहा कि तुम बड़े राक्षस निकलोगे, तो तुम्हारे पिताजी ने तुमको बहा दिया। अच्छा, ब्राह्मणों के कहने से हमको हमारे पिताजी ने जमुना जी में बहा दिया। अब देखता हूँ ब्राह्मणों को, अब देखता हूँ साधुओं को,
अब खबर लेता हूँ। कहते हैं कंस तपस्या करने जाता है, भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करता है, भगवान भोले बाबा उसको अजय होने का वरदान देते हैं, धनुष देते हैं, ले जाओ इस धनुष को, और जब तक ये धनुष रहेगा तब तक तुम सुरक्षित रहोगे, और जिस दिन धनुष टूट जाएगा उस दिन तुम भी, तुम्हें भी कोई बचाने वाला नहीं, तुम उसी दिन तक सुरक्षित। धनुष को लेकर के आया, उतना अरिष्टासुर, बकासुर, लोमासुर, सक्तासुर, बकासुर, इन सब पर विजय प्राप्त करी, और विजय प्राप्त करके कंस मथुरा में रह रहा। समय आया अपनी बहन देवकी का विवाह, जो देवक राजा की पुत्री है, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कराया। पाणी ग्रहण स्वयं कंस ने किया, कन्यादान भी किया अपनी बहन का स्वयं, और स्वयं रथ में बैठ करके कंस अपनी बहन बहनोई को विदा करने के लिए रथ में बिठा करके ले जा रहा था। देवताओं को ये अच्छा नहीं लगा, देवताओं ने सोचा कि ब्रह्म के माता पिता को एक राक्षस सारथी बनकर के जिनका रथ चला, ये तो अच्छा नहीं। देवताओं ने उसी समय आकाशवाणी कर, अरे कंस, तू जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उस देवकी का आठवां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जैसे ही कंस के कान पर यह आवाज पड़ी कि आकाशवाणी ने कहा है देवकी का आठवां बेटा मेरा काल होगा, तो फिर जब देवकी रहेगी तभी तो इसके यहां बेटा होगा। जो चेहरे पर सज्जनता थी ना, आकाशवाणी को सुनते ही बराबर पसीने के रूप में बह गई, सज्जनता समाप्त हो गई, राक्षसी वृत्ति जागृत हो गई। हाथ में खड़ग लेकर के देवकी के केश पकड़ लिए, नीचे उतार लिया, रस्से खींच करके लाया और मरने को तैयार हो गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, जब बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहां से बनेगी। वसुदेव जी महाराज ने देखा ये क्या हो रहा भाई, अभी तो हम साथ साथ जा रहे थे और ये तो मारने को तैयार हो गया। सो क्षत्रिय है वसुदेव जी, और पातिम रक्षति इति पति, पति का अर्थ क्या है, जो अपनी पत्नी की रक्षा कर पावे वही पति है। तुरंत नीचे कूद गए और कंस का हाथ पकड़ लिया, अरे कंस तुमको ये शोभा नहीं देता, अपनी बहन को मारना तुम्हें शोभा नहीं देता, और कंस जो जन्मता है उसको मृत्यु तो प्राप्त होती है, मृत्यु जन्म वताम वीर देहेना सहजायत। वसुदेव जी ऐसे समय में भी सत्संग कर रहे हैं कंस से, उपदेश करने लगे, लेकिन कंस कहां मानने वाला था। तो वसुदेव जी ने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुमको देवकी के बालक से खतरा है, तो जितने भी बालक देवकी के होंगे उन सबको मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं। स्वीकार कर लिया कंस ने, हथकड़ी बेड़ी डाल करके कारागृह में डाल दिया। उग्रसेन महाराज ने कहा कि ये क्या करते हो, अपने बहन बहनों को ही कारागृह में डाल दिया। तो महाराज उग्रसेन को पकड़ करके भी बंदी गृह में डाल दिया। अब कंस ने खुद ही मथुरा का सिंहासन पकड़ लिया, स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। समय आया, सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बच्चे को जन्म दिया देवकी मैया ने, उसको कंस ने पछाड़ दिया। दूसरे का नंबर आया उसको भी पछाड़ दिया, तीसरे का नंबर आया उसको भी पछाड़ दिया। छह बालकों की हत्या कंस ने कर दी। सातवें का नंबर आया, भगवान को चिंता लगी कि भाई हमारे शेष के अवतार बालक बन करके जा रहे हैं, तो माया के प्रभाव से संकर्षण विद्या के द्वारा देवकी मां के गर्भ से रोहिणी मां के गर्भ में स्थापित किया, और रोहिणी मां के यहां पर शेष अवतार बलराम जी महाराज का प्रागट हुआ। बोलिए दाऊ दयाल सरकार की जय। बलराम जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। उत्सव ज्यादा नहीं मनाया क्योंकि रोहिणी मैया नंद बाबा के यहां रह रही थी। अब आठवें का नंबर आया, सुंदर आ गया भादो का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र,
और देवताओं ने मिलकर के सभी ने भगवान की गर्भ में ही स्तुति की है, सुंदर स्तुति की भगवान की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि हितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेतम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, ऐसा कह करके प्रणाम किया सत्यनारायण भगवान की जय। कंस ने हजारों सैनिक लगाए कारागृह से लेकर के बाहर तक, सभी को सावधान किया, आठवां आने वाला है, सभी सावधान होकर के खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही भादों का महीना आया, मंद मंद बारिश होने लगी और भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से सभी को प्रभावित कर दिया और रात्रि के ठीक 12 बजे वसुदेव देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप नारायण प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय। हमारे सामने भी झांकी आ रही है, ताली सेवा करते हुए भाव से झूमते हुए हम भी उत्सव मनाएंगे झूमते हुए। पगलिया ने बांधो थारे घूंघैया थोड़ा, कोई खड़े ना हो, बैठ करके ही आप दर्शन करें और जिनको नाचना हो भाई बस वही अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य करें, बाकी बैठे बैठे ही दर्शन करें, उत्सव का आनंद लेंगे। पगलिया ने बांधो छारे घूंघरिया थोड़ा, बेगा बेगा जो मारा सांवरिया। पगलिया ने बांधो छारे घूंघरिया थोड़ा, बेगा बेगा जो मारा सांवरिया। पगलिया ने बांधो छारे हो झालर शंख नगाड़ा बाजे। झालर शंख नगाड़ा बाजे। झालर शंख नगाड़ा बाजे। झालर शंख नगाड़ा बाजे। मीठी मीठी बाज रही बांसुरिया कही, मीठी मीठी बाज रही बांसुरिया। थोड़ा बेगा बेगा जो सांवरिया, थोड़ा बेगा जो मारा सांवरिया। हो पगलिया में बांधो थारे हो गलो बरसे। रिम झिम रिम झिम में गलो बरसे। रिम झिम रिम झिम में गलो बरसे। रिम झिम रिम झिम में बरसे। ठंडी ठंडी चाल रही पुरवैया कहीं, ठंडी ठंडी चाल रही पुरवैया। थोड़ा बेगा बेगा जो सांवरिया, थोड़ा बेगा बेगा जो मारा सांवरिया। मारा
सांवरिया मारा सांवरिया बधाई हो दुर मोर पपैया बोले दादुर मोर पपैया बोले दादुर मोर पपैया बोले दादुर मोर पपैया बोले मीठी मीठी बोल रही कोयलिया कहीं मीठी मीठी बोल रही कोयलिया बेगा बेगा जो मारा सांवरिया थोड़ा बेगा बेगा जो मारा सांवरिया पगला ने बांधो थारे हो नंद के लाल की जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय ठाकुर जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और वसुदेव देवकी के कहने पर छोटे से बालक का स्वरूप बनाया वसुदेव जी ने अपने सिर पर सुला करके प्रभु को गोकुल में छोड़ा नंद बाबा के यहाँ पर एक लाली का जन्म हुआ था तो लाली को लेकर के आए और मथुरा में जैसे ही लाए पहरेदारों की नींद खुली आए और कंस ने जैसे ही लाली को देखा पछाड़ना चाहा अष्टभुजी देवी बनकर के प्रकट हो गई तू मुझे क्या मरता है तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया ऐसे कहकर के अंतर ध्यान हो गई कंस तो चिंता करने में लगा लेकिन इधर जैसे ही नवमी के प्रातः काल 4 बजे सो ही यशोदा मैया को खबर लगी कि हमारे बगल में लाला सोयो भयो है टेबल बढ़ा के रखो भैया सो ही नंद बाबा को खबर पहुंचाई गई नंद बाबा को पता चली कि हमारे घर लाला को जन्म भयो है तो आनंदित हो गए दौड़ करके गए यमुना जी में जाकर 108 डुबकी लगाई पीरी बगर बंदी पहनी पीरी धोती पहनी माथे पर पीरी पगड़ी बांधी आंखों में लगायो काजर मूछन में लगायो इत्र और बढ़िया सज करके नंद बाबा आ गए गौशाला में ब्राह्मण देवता भी सब आ गए और आकर के सुंदर स्वस्ति पाठ करते हुए महाराज ठाकुर जी का बड़ा सुंदर जन्म उत्सव मनाया है हम लोग भी झांकी का दर्शन कर रहे हैं स्वस्ति पाठ करेंगे और स्वस्ति पाठ करके फिर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते हुए उत्सव मनाएंगे और फिर आरती करेंगे बोलो नंद के लाला की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हरि ओम हरि ओम महास्वस्ति न इंद्रो वृषभा स्वस्ति न विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो हरिजने स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रखदश्वामरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधे कृतमयः अग्निर्जिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्ववेनो देव अवसागमन्निः भद्रं करणे
देवी श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षा वितराजितरा हस्तिरंगै सुष्टु वाकुस्थानो महिषे वहितंज जायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जितरा नसदना जन शंतनो नाम्मा पुत्रा सो जितरा पितरो भवन्ति मानो मदियारी रिखता इर्गंतो हो अदित्रियो रदितिरं भारा सबिता सबुद्रहा विश्वे देवा अदिति ही पंच जना अदित्रजातम अदित्रजानित वम्म ध्यो हो शांति रंतरिच्छगुं शांति ही पृथ्वी शांति रापह शांति रोकदयह शांति ही वनस्पतयह शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मन शांति ही सबको हल्दी लगा दो शांति रेव शांति ही शामा शांति रेधि यतो यतः हरि ले लो हल्दी ततो नो अभयं गुरु सन्नह गुरु प्रजाभ्यो वसुभ्यः सुशांतिर भवतु सर्वार्थ शांतिर भवतु नंद के आनंद भयो बजा मां दोस भाव से ताली सेवा करते हुए अब नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाएंगे नाचते हुए नृत्य करते हुए भाव से झूमते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की हे नंद के हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो हाउ से ताली सेवा करते हुए कोई भी आलस्य नहीं करे झूमते हुए ताली बजाए बधाई हो जय जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की के आनंद भयो जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की
हाथी घोड़ा किन किन को पाल के किन किन को हाथी घोड़ा किन किन को पाल के किन किन को हाथी घोड़ा किन किन को पाल के किन किन को हाथी घोड़ा किन किन को पाल के जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न 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 को पाल के नंद घरानंद भयो जे कन्हैया लाल के नंद घरानंद भयो जे कन्हैया लाल के पीछे तक पहुंचा दीजिए पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की पूनम के चंद जैसी शोभा है लाल की हो पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की पूनम के चंद जैसी शोभा है लाल की गौवे चराने आए जय हो पशुपाल 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 की नंद गहरानंद भयो रे कन्हैया लाल 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 की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदानंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदानंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय जय कन्हैया जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की सुंदर भगवान का ठाकुर जी का आज जन्म उत्सव हमने यहाँ मनाया है धूमधाम से। अब आरती का दर्शन करेंगे। कल के कथा प्रसंग में ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वर्णन के साथ गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। वो झांकी का दर्शन आप कल की कथा प्रसंग में करेंगे। गोवर्धन नाथ जी की झांकी का पूजन का दर्शन आप करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर लाभ ले। अब आरती होगी। आरती के बाद में जो भी ठाकुर जी को झूला झूलाना चाहे वो आरती के बाद में आराम से एक एक करके झूला झूला करके और आरती प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें। अब आरती का दर्शन करेंगे। आरती के बाद जो भी झूला झूलाना चाहे गोविंद को झूला झूलाइए। अब आरती का दर्शन करेंगे। जो हमारे यजमान बंधु हैं वो पधारे, मंच के ऊपर आ जाएं। बालकृष्ण जी आ जाएं और आरती का दर्शन करें। बिना आरती प्रसाद के कोई जावे नहीं। आरती के बाद में भगवान की जो झांकी विराजमान है झूला झूलाएं सभी माता बहने और झूला झूलाने के बाद प्रसाद लेकर के प्रस्थान कर लगाओ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण देव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग ताली सेवा करते हुए प्रभु की आरती गाएंगे।
आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो यशोदा को परम दुलारो बाबानंद की आंख को तारो बाबानंद की आंख को तारो गोपिन के प्राणन से प्यारो गोपिन के प्राणन से प्यारो इन पे प्राण जो छावर की जय आरती बाल कृष्ण जी की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनवा कही कही बोलत मैया कनवा कही कही बोलत मैया परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया अपनो सर्वस्व इनको दीजे अपनो सर्वस्व इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री राधावर सुगर कन्हैया श्री राधावर सुगर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया यह छवि नन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए तो तरी बोलन मधुर सुहावे तो तरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सोय सुख तिजो इनको ध्यावे प्रतिजो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर ली आरती बाल कृष्ण जी की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण जी की जय हरि ओम आराधिक्यम समर्पयामि आराधिकांदे मंत्र पुष्पांजलिमह ओम जने नजन्नामय जन्त देवास्तानि धर्मा प्रथमान्या सन्नाते हनागम महिमानः सन्त यद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदया ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया ओम विश्वानुजाय च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदया ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदया ओम पुराण पुरुषोत्तमाय विद्महे ज्ञान गंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद् भागवत प्रचोदया ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदया नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु श्री भागवत चरणार्पणमस्तु बाल कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की कृष्ण चंद भगवान की आज के आनंद की सदगुरु देव भगवान की हनुमान जी महाराज की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो आज के आनंद की जय हो आज के परमानंद की जय हो भागवत महापुराण की जय हो सेनापति सरकार की जय हो शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय
श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। देखिए सभी भक्तों से निवेदन है कृपया आप अपने स्थान पर विराज जाए और जो भक्त झूला देने में